वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो सभी को राम राम। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे और होने भी चाहिए। तो गाइस आज का ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ मैं करीब 7:30 बजे। तो अभी तो फिलहाल थोड़ी देर पहले धूप थी, अभी सूरज के सामने बादल आ गए हैं तो अभी धूप नहीं है। तो अभी फिलहाल चल रही है साफ सफाई और फिर उसके बाद पूजा करेंगे। तो मिलते हैं आपसे पूजा के बाद। और गाइज अभी मैं आज करीब 5 दिनों के बाद ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि पहले तो 3 दिन मेरे फ़ोन में रिचार्ज नहीं था, तो इस वजह से मैंने जो ब्लॉग को किया भी था वो अपलोड नहीं कर सकता था मैं, तो मुझे वो डिलीट करना पड़ा। तो फिर उसके बाद मैंने अपने फ़ोन के कैमरे के लेंस चेंज करवा दिए, तो उसमें भी 1 दिन चला गया। और फिर आज 6वें दिन मैं ब्लॉग कर रहा हूँ। तो चलो गाइस अभी साफ सफाई करते हैं और मिलते हैं आपसे साफ सफाई के बाद। तुझसे फिर कैसा डर गए, कैसा डर गए, कैसा डर गए, जपे जो तेरा नाम सुबह और शाम, तो उसका नाम अमर गए, नाम अमर गए, नाम अमर गए। चलो बाहर चलते हैं, बिकॉज थोड़ी देर पहले अभी धूप आई थी, अभी फिर से बादल आ गए हैं। तो चलो यहाँ पर अभी मक्की नहीं होगी है, वहां पर उन नीचे वालों के खेतों में भी नहीं होगी है, कहीं कहीं पर ही होगी है।
आज ये देखो ऊपर वाले खेतों में मक्की इतनी बड़ी हो गई है। अरे देखो बादल ही है बादल। और वो है मम्मी अपना काम कर रही है कुछ। अरे ओ बात बगाई जब भी मैंने आपको बाहर का व्यू भी दिखा दिया। अब चलो ब्रेकफास्ट करते हैं और मिलते हैं आपसे ब्रेकफास्ट के बाद। अभी गाइज ब्रेकफास्ट भी हो चुका है और अभी चलो बाहर चलते हैं और अभी पशुओं को पानी पिलाएंगे और फिर उनको अंदर बांध देंगे। तो चलो बात बगाई जी है माँ डॉगी। देख रुक देख देख सामने मेरा लादला है। ओए मेरा लादला है। और ये देखो गाइस हमारे हम भी पक रहे हैं धीरे धीरे। ये भी देखो एक ये भी है और भी होंगे यहाँ ढूंढने पड़ेंगे। अब इन पेड़ों पर कौन चढ़े आम लेने की तो नीचे गिरते हैं हम वो ही ले ले लेते हैं और कुछ पक्षी भी खा लेते हैं। तो अभी हमारे आम भी पक रहे हैं और ये कोई कोई पकते हैं पेड़ में इनको तोड़ना पड़ता है। तोड़ के इनको ऐसी जगह पर रखना पड़ता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो ये तभी पकते हैं। इस पेड़ में वहां पर भी पक गए हैं दो। मैं उनको निकालने की कोशिश करता हूँ अगर निकल जाएंगे तो ठीक है नहीं तो वो खुद ही कभी नीचे गिर जाएंगे। अभी गाइज मैं आ गया हूँ पशुओं को पानी पिलाने। वो आम नहीं निकाल पाया मैं वो खुद ही गिर जाएंगे हवा से। तो अभी ये पानी पी रहे हैं तो अभी इनको अंदर बांध देंगे। अभी गाय जो मैंने पशुओं को अंदर भी बांध दिया है और अभी मैं जा रहा हूँ घर। अभी कहो जो जब से मैंने ब्लॉगिंग करनी शुरू की है तब से कुछ ऐसा हो रहा है कि कभी कोई ना कोई चला ही रहता है घर में चला ही रहता है। कोई दिक्कत नहीं भाई आओ। बाय द वे मैं आपसे ये इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि वो सच में आ रहे हैं पर आ रहे हैं अपने गांव वाले। गांव के बाहर का कोई नहीं आ रहा है तो आप भी आओ आपका स्वागत है। पता नहीं जब आप आओगे तब मैं आपका स्वागत करने के लिए घर में रहूंगा ना रहूं ना रहूं इसका कोई मैं गारंटी नहीं ले सकता। तो आप आइए आपका वेलकम है। जब भी मैं रूम में आ गया हूँ और अभी धूप तेज हो रही है ना तो अभी आराम करेंगे शाम के 3 या 4 बजे तक। तो फिर मिलते हैं आपसे 3 या 4 बजे। तो अभी गाय जो शाम हो चुकी है और धूप पाली साइड चली गई है तो चलो अब हम भी बाहर चलते हैं और बाहर का व्यू भी दिखाएंगे आपको और पशुओं को बाहर भी बांध देंगे। तो चलो और वो दो चीजें भी दिखानी है आपको चलो। ओ भाई दो गाइज मैंने पशुओं को बाहर भी बांध दिया और इनको धुआं भी लगा दिया है और हरी घास भी डाल दिया खाने के लिए। तो चलो अब घर के लिए नहीं जलाने के लिए लकड़ी ले जाते हैं यहाँ से और फिर दिखाएंगे आपको वो दो चीज़ें। तो गाइज अभी मैं लकड़ी भी ले आया हूँ घर। अब चलो दिखाते हैं आपको वो दो चीज़ें। एक तो आपको वहाँ बल्ब दिख ही रहा होगा और ये है उसकी तार
वो है बल्ब, ये उसकी तार इस तरफ को, तो ये हमने खेत में इसलिए लगाया है ताकि कोई जानवर खेत में ना आए और वो हमारी मक्की ना खाए, तो इसलिए लगाया है। तो एक और भी है, वो भी आपको दिखाते हैं, वो नीचे है और वहाँ पर है दूसरा, ये आपको वायर दिख रही है ना, ये उसकी वायर है पर वो पत्तों के बीच में, तो वो आपको साफ नहीं दिखेगा, वो आपको दिखेगा ही नहीं। और ये है उसकी वायर, तो भाई भगाई जब भी मैं थोड़ी और घास ले आया हूँ इनको, और अभी थोड़ी और मैं काट भी रहा हूँ, जो मैंने लाई थी उनको खाने को दे दी है, इसको भी दे दी है। अब चलो जो थोड़ी सी और काटी है उसको बुलाते हैं, फिर थोड़ी और भी काटेंगे। तो अभी गाइज मैंने इतना घास काट दिया है और अभी बारिश शुरू हो गई है और अंधेरा भी हो ही गया है, थोड़ा थोड़ा हो रहा है धीरे धीरे अंधेरा, और अभी बारिश शुरू हो गई है। अब चलो पशुओं को जल्दी से अंदर बांधते हैं और अंदर ही देंगे अब इनको घास। तो अभी गाइज मैंने पशुओं को अंदर भी बांध दिया है और अभी एकदम से बारिश शुरू होगी, तो मुझे जल्दी जल्दी करना पड़ा सब कुछ, अभी मुझे इनको घास देना है और चलो फिर चलते हैं घर। तो अभी गाइज मैं पशुओं को घास डाल कर आ गया हूँ घर और अभी हूँ मैं रूम में। तो बारिश एकदम से शुरू होगी, ऐसे ही होते हैं पहाड़ों के मौसम, कब बारिश होगी कब धूप कुछ पता नहीं होता। तो मैं आराम से घास काट रहा था, एकदम से बारिश शुरू हुई, मैंने जल्दी से सारा घास इकट्ठा किया और उसको घर लाया, और फिर जब तक मैं पशुओं को अंदर बांधने के लिए जा ही रहा था, तो आपने देख लिया कि कब बारिश शुरू हो चुकी थी और बहुत तेज बारिश हो रही है अभी भी बाहर, बिकॉज अभी अंधेरा होने वाला है थोड़ी देर में, अभी तो थोड़ा थोड़ा हो ही गया है लेकिन थोड़ी देर में हो ही जाएगा। और इस ट्यूबलाइट को पता नहीं क्या हो गया है, कभी बंद हो रही है, कभी जल रही है, कभी बंद हो रही है, तो इसको अभी देखते हैं। फिलहाल अभी पूजा कर लेते हैं। चलो डिनर करते हैं, मिलते हैं आपसे डिनर के बाद। तो अभी गाइज डिनर भी हो चुका है और मम्मी भी सो गई हैं, तो अभी मुझे करनी है एडिटिंग
और इस ब्लॉक को करता हूँ मैं एंड। आई होप कि आपको आज का ब्लॉक पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस जल्दी से किसी नेक्स्ट ब्लॉक में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय बाय। Thank you.